एक बहुत खूबसूरत बात बताता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें पढ़ने वाली कौम यहूदियों की है। उनका साल का एवरेज 72 बुक्स है। और दुनिया में सबसे कम पढ़ने वाली कौम मुसलमानों की है, उनका साल में 6 मिनट पढ़ने का एवरेज है। साल में 6 मिनट। और हमारे डॉक्टर सईद साहब यहां बैठे हैं, उनकी पीएचडी में से एक आंकड़ा सुनाता हूं। ही हैज डन अ ग्रेट जॉब। उन्होंने हमारा एक सेंटेंस ठीक करके दिया। हमारी कौम पे एक इल्जाम था कि मुसलमान सबसे ज्यादा जेल में है। डॉक्टर सईद साहब की रिसर्च बताती है इंडिया की सबसे ज्यादा जो कौम बेगुनाह जेल में है वो हमारी कौम है। हमें अप्लीकेशन लिखना नहीं आता, इस वजह से बोर्ड पर हमारा मुकदमा तक नहीं लगता है। ये 6 मिनट साल में पढ़ने की आदत हमको कहां लाके छोड़ गई, ये हम जानते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पिछले 8 साल से हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है। क्यों? सब लोग मुस्कुराने लगे। पिछले 8 साल से हर चीज हम वे करके देखने लगे, तराजुओं पे तोलने लगे, और हमारे नए तराजू का नाम होना चाहिए फ्यूचरिस्टिक। हजरत अली का कॉल है रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि जब अपने बच्चे की परवरिश करना तो अपने जमाने के हिसाब से परवरिश मत करना, आने वाले जमाने के एतबार से परवरिश करना। तुम्हारा जमाना कुछ और था और उसका जमाना कुछ और होगा। आप जैसे ही फ्यूचर को तकाजा बनाकर जिस भी ग्रेजुएशन पर लगाएंगे, आपको समझ में आएगा कि जितनी चीजों में हम एडमिशन लिए बैठे हैं वो सब माइनर है, वो मेजर है ही नहीं। और आप अभी अपना मोबाइल निकालिए, क्रोम खोलिए, लिखिए वहां पर एक लाइन, 15 कंपनीज, बस इतना लिखना है आपको गूगल पे। क्या लिखना है? 15 कंपनीज। उसके आगे गूगल प्रॉम्प्ट करता है, और गूगल क्या प्रॉम्प्ट करता है हम सब जानते हैं, जो जितना ज्यादा सर्च हुआ वो उतना प्रॉम्प्ट करता है। तो जैसे ही आप लिखेंगे 15 कंपनीज, गूगल आगे लिखता है डेट डोंट रिक्वायर अ डिग्री। दुनिया की 15 कंपनियां ऐसी हैं जो अब डिग्री के बलबूते किसी का रिक्रूटमेंट नहीं कर रही, वो डिग्री के बलबूते किसी का रिक्रूटमेंट नहीं कर रही। उसमें पहली कंपनी एप्पल है, दूसरी कंपनी गूगल है, तीसरी कंपनी अमेज़न है। यहूदियों से यहां एक बात और सीखने लायक है, वो इनकी स्ट्रेटेजिक पोस्ट्स पर हैं, वो गूगल की सबसे ऊंची पोस्ट पर है, वो माइक्रोसॉफ्ट की सबसे ऊंची पोस्ट पर है, वो अमेज़न की सबसे ऊंची पोस्ट पर है। और इस वजह से क्या होता है, फोर्ब्स मैगजीन कहती है यहूदियों ने वो कर दिखाया जो मुसलमान क्या कोई कौम नहीं अभी कर सकती। हमें लगता है कि मोबाइल ने हमें एम्पावर कर दिया और हमारे साथ दुनिया की हर चॉइसेस सिर्फ एक क्लिक पर अवेलेबल है। यहूदी जमात हंस के कहती है दुनिया के पास वही चॉइसेस अवेलेबल हैं जो चॉइसेस हम दिखाना चाहते हैं। इसलिए पैलेस्टीन में 2021-22 का आंकड़ा सुना रहा हूं, 16,990 से लेकर 23,000 बच्चों को हड्डियां टूटने तक मारा गया है, पर गूगल पर वो इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? यू डोंट हैव द चॉइसेस, तुम्हारे हाथ में कोई चॉइसेस नहीं है। चॉइसेस उनके हाथ में हैं जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे अपनी मेहनतों से जाकर बैठ गए, और इस कदर चॉइसेस हैं कि तुम्हें अगर एक हदीस और एक आयत याद नहीं आ रही और ढूंढना पड़ जाए तो तुम उसी गूगल के पास जाते हो। ये गूगल पे कब्जा ना करके, सबेरे का सेंटेंस ठीक कर रहा हूं, बचपन और जवानी नहीं सारा ईमान उनके कब्जे में चला गया। आप समझ रहे हैं, एम्पावरिंग जेन नेक्स्ट के बारे में बता रहा हूं।